हाय एवरीवन, सो चीट कोड्स का ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम जून CSIR नेट 2023 के पेपर में चीट कोड्स को अप्लाई करना आपको लोगों को दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि क्या सच में बहुत ही आसानी से आप लोग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, द अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज इन एन ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व टू कैटेलाइज अमीनो एसाइलेशन ऑफ देयर कॉग्नेट tRNAs. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईदर एट दिस और दिस पोजिशन ओनली ओनली ओनली. ओके, अब इस केस में तीन ऑप्शंस में ओनली दिया है और एक एक ऑप्शन में हमें ईदर एट दिस एंड दिस ईदर और वाला ऑप्शन दिया है. अब अपने मन में आप खुद से सोच लो अभी तक कि आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, एंड करेक्ट आंसर बिल्कुल वही है जो आप सोच रहे हो. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन. ओनली वाले जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिए गए हैं. लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कैच बताती हूँ कि देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जब भी आप कभी ऐसे क्वेश्चन देखें जहाँ पर एक से ज़्यादा ओनली आपको दिया गया हो, या फिर अगर स्टेटमेंट में ओनली लिखा है मतलब वो 100% रॉन्ग ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, तो मेक श्योर यू रीड द क्वेश्चन एज वेल. जैसे इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा इस तरीके के चीट कोड्स आपको या कॉमन सेंस टेक्निक्स बताते समय कि नॉलेज कम्स फर्स्ट. तो नॉलेज का सबसे प्राइमरी रोल है ना कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या हो सकता है. तो आपको ये जब हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस सॉरी ट्रांसलेशन का प्रोसेस, उसमें हम देखते हैं ये चीज़ कि ट्रांसलेशन में जो अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम होते हैं, ये वो एंजाइम है जो कि tRNA को अमीनो एसिड से जोड़ते हैं. और ये एंजाइम दो तरीके के होते हैं, एक 3' OH पे जोड़ने वाले और एक 2' OH पे जोड़ने वाले. और सबसे कॉमन होते हैं 3' OH पे जोड़ने वाले, रेयरली हमें 2' OH पे जोड़ने वाले एंजाइम्स भी मिल जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो सभी जाके 3' OH पे जो अमीनो एसिड है उसको जोड़ रहे होते हैं विद द tRNA. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे, गिवन बिलो आर अ फ्यू स्टेटमेंट्स ऑन मैपिंग पॉपुलेशन एंड मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन MAS. ओके, अब यहाँ पर चार स्टेटमेंट आपको दिए हैं. पहला स्टेटमेंट है, MAS कैन बी यूज्ड टू एलिमिनेट अनडिजायरेबल जीनोटाइप्स अर्ली इन द ब्रीडिंग प्रोग्राम बाय स्क्रीनिंग प्लांट्स एट द सीडलिंग स्टेज. सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है, इन बैक क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स ब्रीडर्स यूज मॉलिक्यूलर मार्कर्स टू सिलेक्ट अगेंस्ट द डोनर जीनोम. थर्ड में बोल रहा है कि अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ मैपिंग पॉपुलेशन दीज आर इमॉर्टल पॉपुलेशन. एंड फोर्थ में बोल रहा है, नियर आइसोजेनिक लाइंस कैन बी प्रोड्यूस्ड. अब दो स्टेटमेंट में मुझे कैन टर्म यहाँ पर मिला है और दो स्टेटमेंट में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला है, एकदम मतलब जो स्टेटमेंट है सीधे सीधे लिख दिया गया है. ठीक है, अब आप अपने मन में सोच लीजिए क्या आंसर आपके हिसाब से होना चाहिए. एंड करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर फोर. आपको लगेगा मैम आपने तो बोला था कि दोनों जगह कैन है तो ए और डी इसके हिसाब से तो करेक्ट आंसर आना चाहिए. तो डेफिनेटली ये टेक्निक्स जो हैं, मैं इसीलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने रखा है सो दैट आपको ये भी समझ में आए कि एकदम ब्लाइंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम स्टेटमेंट को जस्ट हम वर्ड्स को पकड़ के उसको सही मान लेंगे. डेफिनेटली हमें यहाँ पर स्टेटमेंट्स को भी पढ़ना है, लेकिन एक चीज़ पक्की हो जाती है यहाँ पर कि ए स्टेटमेंट तो पक्का सही होगा, मतलब इन कैन वाले ऑप्शंस में से स्टेटमेंट आपको ठीक मिलेगा. ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा है ना कि MAS कैन बी यूज्ड, मतलब उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. तो जब भी किसी चीज़ के यूज़ करने की बात आती है, किसी पर्टिकुलर टेक्निक की यूज़ की बात आती है, तो आप जनरली देखोगे कि वो स्टेटमेंट वहाँ पर सही होगा. क्यों? क्योंकि यूज़ हो सकता है, मान लीजिए आज हम उस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रोबेबली इन फ्यूचर कुछ ऐसा उसमें चेंज हम देखें या कुछ इस तरीके से उसका हम एक ऑल्टरनेट मतलब उसी में कुछ और आगे एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं और हमें पता चले कि हाँ हम इसको इस पर्टिकुलर टेक्निक या इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो जहाँ कहीं भी यूज़ की बात आएगी किसी टेक्निक के, वहाँ पे इन जनरल अगर कैन वर्ड या पॉसिबिलिटी वाले टर्म आपको दिए गए हैं तो वो स्टेटमेंट सही माना जाता है. ठीक है, और इसको इसके इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं आपको और क्वेश्चन भी दिखाऊंगी और आपको इस चीज़ को समझ में आएगा. ठीक है, समझ पाओगे. तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, ए ठीक हो गया मतलब ऑप्शन नंबर टू यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब एक ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं. अब इसके बाद पूरी पूरी दिमाग की बात है यहाँ पर. ठीक है, और नॉलेज बेस्ड बात आ जाती है. तो स्टेटमेंट सेकंड में यहाँ पर लिखा है कि भाई बैक क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम में ब्रीडर होते हैं वो मॉलिक्यूलर मार्कर को यूज़ करते हैं डोनर जीनोम के अगेंस्ट सिलेक्ट करने के लिए टू एक्सेलरेट रिकवरी ऑफ द रिकरेंट पेरेंट जीनोम. सीम्स लॉजिकल स्टेटमेंट अगर आपने थोड़ा भी जो मतलब आपका MAS वाला पार्ट है वो पढ़ा है तो. ठीक है, एंड यहाँ पर लिखा है कि दीज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 नियर आइसोजेनिक लाइन्स जो हैं वो अगर हम F1 प्रोजेनी जो होती है उसका
बस सेल्फ पॉलिनेशन बार बार करवाएं तो हमें ये मिल जाती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी कि व्हाट व्हाई एग्जैक्टली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, आप तब तक आई वॉन्ट कि आप थोड़ा सा पढ़ो और उसके ट्राई टू गैदर द इंफॉर्मेशन कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, यस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन फॉर द काउंटेड एग्जिस्टेंस ऑफ जीन्स दैट कंट्रोल आई डेवलपमेंट इन आईलेस केव फिश। ठीक है, चार स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है दे हैव इनहेरिटेड दीज जीन्स फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स एंड दिस रिमेन्स इवन दो दे नो लॉन्गर हैव आईज। मतलब बोल रहे हैं कि हमें एक्सप्लेनेशन देना है किस चीज़ के लिए, कि ऐसे जीन के एग्जिस्टेंस के लिए जो कि आईलेस केव फिश में आई डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आईलेस केव फिश है लेकिन उसमें आई डेवलपमेंट को कंट्रोल करने वाले जीन के कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस के बारे में बात हमको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि भाई उनको शायद वो जीन्स जो है वो इनहेरिट किए होंगे उन्होंने कहाँ से, अपने एंसेस्टर से, अपने पूर्वजों से, और ये उनमें उनके साथ रहे होंगे भले ही उनमें अब उनके पास आईज नहीं हो तब भी। ठीक है, तो जीन्स रहे होंगे ऐसा बोल रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इन केस ऑफ अ पॉसिबिलिटी दैट दे रिटर्न टू द सर्फेस इन्वायरमेंट रिटेंशन ऑफ विजन वुड बी एडवांटेजियस, सो इवोल्यूशन रिटेन्स दिस ट्रेट। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है इवोल्यूशन कैन ओनली लीड टू गेन ऑफ अ ट्रेट नॉट लॉस ऑफ अ ट्रेट। इवोल्यूशन में सिर्फ गेन होता है, लॉस नहीं होता। अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे भी और अगर ओनली टर्म को भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट एकदम ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। दैट मीन्स सी वाले जितने भी स्टेटमेंट्स मेरे पास हैं, ऑप्शंस मेरे पास हैं, उन सबको मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, एलिमिनेट कर दूंगी। अब मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस बचते हैं, ए बी एंड ए डी। मतलब ए स्टेटमेंट तो पक्का पक्का क्या हो गया, सही हो गया। अब बी या डी में से मुझे देखना है। डी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, दीज जीन्स आर रिटेन्ड बिकॉज ऑफ कंबाइंड रोल ऑफ दीज जीन्स विद अदर सेंसरी मैकेनिज्म। मतलब ये जीन जो है वो क्यों रिटेन हुए हैं, क्योंकि इन जीन्स का दूसरे सेंसरी मैकेनिज्म के साथ में भी कोई रोल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बी और डी में से ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट आपको क्या समझ में आ रहा है। देखो ए तो सही है, ठीक है, एक बार दिमाग लगा के सोचो क्या आपके हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए, एंड लेट्स सी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। देखो भले ही यहाँ पर टर्म दिया हो पॉसिबिलिटी, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको क्या लिखा है कि इन केस ऑफ ए पॉसिबिलिटी कि ये सरफेस मतलब दे रिटर्न टू द सरफेस इन्वायरमेंट रिटेंशन, सरफेस इन्वायरमेंट रिटेंशन ऑफ विजन वुड बी एडवांटेजियस। तो जब हम आईलेस केव फिश के बारे में बात कर रहे हैं, हाउ डू वी नो कि ऐसा करना या ऐसा होना एडवांटेजियस होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वुड बी एडवांटेजियस, है ना, वी डू नॉट नो दैट, है ना। पॉसिबिलिटी क्या दी हुई है यहाँ पे, तो आपको क्या करना होगा, आपको टर्म्स को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा या स्टेटमेंट्स को एग्जैक्टली बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पे ये लिखा है कि भाई पॉसिबिलिटी के सिनेरियो में, पॉसिबिलिटी किस चीज़ की, कि वो वापस आएंगे सरफेस एनवायरनमेंट पे, ठीक है। वो ये नहीं बोल रहे पॉसिबिलिटी इस चीज़ की कि वो देख पाएंगे अल्टीमेटली उनको दिख जाएगा या ये सब, वो कुछ नहीं बोल रहे, वो बस ये बोल रहे हैं कि वो सरफेस एनवायरनमेंट पे यदि आने की उनकी पॉसिबिलिटी होती है तो वो एडवांटेजियस होगा। तो स्टेटमेंट इन अ होल, इन अ कंप्लीट मैनर में अगर मैं स्टेटमेंट को पढ़ूँ तो ये एक मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये पॉसिबिलिटी वाला स्टेटमेंट ये बन रहा है, ठीक है। और अगर आप फोर्थ स्टेटमेंट को पढ़ते हो तो ये बहुत लॉजिकल स्टेटमेंट है कि हाँ भाई हो सकता है इन जीन्स का किसी दूसरे सेंसरी मैकेनिज्म या कोई दूसरा मैकेनिज्म जो कि उस ऑर्गेनिज्म में काम कर रहा है, फंक्शनल है, उसके वहाँ पे उसमें इन जीन्स का रोल हो और इसीलिए ये रिटेन हुए हो, नॉट बिकॉज कि भाई यहाँ पर ये अल्टीमेटली आई का मतलब डेवलपमेंट और ये सब करवाने वाले हैं बाद में, है ना। हाँ वो प्रेजेंट हैं, वो करवा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की, लेकिन करवाते हैं नहीं करवाते वो हमें कुछ नहीं पता। हमें क्या पता है, सिर्फ हमें ये पता है कि ये रिटेन हुए होंगे क्योंकि शायद इनका रोल किसी दूसरे सेंसरी मैकेनिज्म के साथ रहा होगा। समझ गए, तो मैं आपको हर एक जगह पे आप ऐसे समझ सकते हो कि एंटीडोट भी बता रही हूँ बेसिकली, जो भी हम टर्म्स देख रहे हैं, जो भी हम स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, जो ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, नॉट ओनली आई एम गिविंग कि भाई स्ट्रिक्टली आपको ऐसे ही है तो ऐसा ही यूज़ करना, बिकॉज उस केस में आपका
फ़ायदा नुकसान दोनों शायद बराबर या हो जाएगा या फिर थोड़ा नुकसान भी हो जाएगा, लेकिन अगर हम साथ साथ में ये भी बताएंगे कि अच्छा हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि व्हेन एग्जैक्टली टू यूज़ द ट्रिक एंड हाउ टू यूज़ द ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला है कि मैं आपको कॉमन सेंस से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगी, अब कॉमन सेंस के हिसाब से हमें यहाँ क्या दिया हुआ है कि फिगर बिलो रिप्रेजेंट्स दी फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड नीच ऑफ टू स्पीशी। ठीक है, फंडामेंटल और रियलाइज्ड, अगर आपको सिर्फ ये पता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल, अगर मैं आपसे बोलूँ फंडामेंटल किसी भी चीज़, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मतलब कि फंडामेंटल हमारे बेसिक, सबसे मतलब सबसे बेसिक चीज़ है ना, कि जो तो मतलब होनी ही चाहिए या होती ही है वैसा, है ना, ओके फंडामेंटल। फिर आ जाते हैं आप मौलिक बोल सकते हो, है ना, फिर आ जाता है यहाँ पर रियलाइज्ड। अब रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई आपने कोई चीज़ रियलाइज़ की, है ना, अगर हम उसमें समझे, फीलिंग्स में समझे, इमोशंस में समझे, तो आपने कोई चीज़ रियलाइज़ की, ऐसा एक टर्म होता है। या फिर यहाँ पर अगर मैं इकोलॉजी के टर्म में बात करूँ तो रियलाइज्ड मतलब उनको जितना उनका फंडामेंटल पार्ट है, मान लो कोई हैबिटेट है, ठीक है, या कोई नीश है ना, नीश में अगर मैं बोल रही हूँ कि फंडामेंटल एक बहुत बड़ा एरिया है, तो रियलाइज्ड मतलब उसका छोटा एरिया होगा। जैसे आपने देखा होगा इसके एग्जांपल में हम इन जनरल क्या देखते हैं कि मान लीजिए एक ट्री है, ठीक है, और उस ट्री के ऊपर ऑफकोर्स नीचे से ऊपर तक काफ़ी सारे ब्रांचेज लीव्स वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है, तो पहले यहाँ पर सिर्फ एक टाइप के बर्ड्स रहते थे और ये जो बर्ड्स थे ये ऑल ओवर द ट्री इन्हीं मतलब यही रहते थे, और जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट मिलते थे इनको वो अकेली यही वाली जो ट्री जो बर्ड्स थी वो पूरे के पूरे प्रोडक्ट मतलब वो जो ट्री है उसको रहने के लिए भी पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकती थी, उसके प्रोडक्ट को खाने के लिए भी पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकती थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट कुछ समय बाद यहाँ पे क्या हुआ कि एक दूसरी स्पीशी ऑफ बर्ड भी आ गई, ठीक है, मान लीजिए ये ब्लैक कलर की बर्ड्स, ठीक है, तो अब क्या होगा, इन दोनों में कॉम्पिटिशन होगा, तो दे विल वो क्या करेंगे आपस में उस चीज़ को बांट लेंगे, मतलब कि ब्लैक बर्ड्स बोलेंगे अच्छा ठीक है नीचे वाला पार्ट जो है उसको हम रख लेते हैं, ऊपर वाला पार्ट आप रख लीजिए, है ना, तो जो फंडामेंटल नीच था इन रेड बर्ड्स का वो क्या हो गया, वो कॉम्प्रोमाइज हो गया कहीं ना कहीं, और इसी को हम बोलते हैं रियलाइज्ड नीच। तो अगर आप देखोगे फंडामेंटल क्या होना चाहिए, रियलाइज से डेफिनेटली बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होगा, जो सबसे बड़ा कर्व हमको यहाँ पे दिया हुआ है, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा फंडामेंटल नीच, मतलब क्यों हर हालत में कैसा होना चाहिए, फंडामेंटल नीच होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है। तो ये क्वेश्चन जो था इसमें कोई भी हमारा ट्रिक एसएच नहीं था, सिर्फ लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था, बट जस्ट आई वांटेड टू मेक श्योर कि आप जो ग्राफ होते हैं उनको इंटरप्रेट करना सीखो, ठीक है, उन कॉमन सेंस से भी आप चीज़ों को बहुत आसानी से इंटरप्रेट करके उनका आंसर निकाल सकते हो, ये टेक्निक भी आप सीखो। बाकी टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस अगर आप लोग चाहते हो ना, मतलब हर एक यूनिट बेस्ड क्वेश्चंस जो PYQs है वो अगर आप चाहते हो मैं आपको सॉल्व करवाऊँ इस पर्टिकुलर चैनल पे, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल स्टार्ट डूइंग इट लाइक एज सून एज पॉसिबल। मैं आपको सारे जो आपके पेपर्स हैं उनको एक एक करके सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दूंगी यूनिट बेस्ड बैनर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका करेक्ट आंसर, आप देख सकते हो फंडामेंटल नीच इज अ बिगर एरिया और रियलाइज नीच जो होगा वो ऑफकोर्स थोड़ा कम रीजन होगा, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल स्पेस एट एन ऑर्गेनिज्म इनहेबिट्स एंड द रिसोर्सेज इट कैन एक्सेस एज अ रिजल्ट ऑफ लिमिटिंग प्रेशर फ्रॉम अदर स्पीशीज, वही है बात अल्टीमेटली उसका मतलब वही हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं जिसमें हम चीट कोड्स को अप्लाई करेंगे, अभी हम इवनिंग शिफ्ट के पेपर को ही कर रहे हैं और आप देख सकते हो कि अच्छे खासे क्वेश्चन के नंबर हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पा रहे हैं बाई यूजिंग दीज ट्रिक्स और कॉमन सेंस, ठीक है। तो आई होप दैट्स गिविंग यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस और आपको पसंद आ रही हो ये सीरीज, एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन दैट यू वॉन्ट मोर पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एवरीवन, विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।